इसको, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, कहाँ गया? ये रोड बनाए हो, ये रोड बनाए हो, मजाक बना रखे हो, ये रोड बना, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, रोड बना रखे हो, ये ठेकेदार तुम ही हो ना? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ठेकेदार के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे ये शख्स सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और यहाँ के विधायक वेदी राम हैं। वही वेदी राम जो ओम प्रकाश राजभर के दोस्त हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक और जनता के नुमाइंदे। पैर से सड़क को उखाड़ते विधायक जी ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान का पोस्टर लगवाने वाले अफसरों ने क्या किया है। सड़क गाजीपुर के जंगीपुर से यूसुफपुर को जोड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले बनी सड़क करीब 4.5 किलोमीटर तक ऐसी ही बनी है, ऐसी बनी कि पैर के ठोकर से सड़क टूट जा रही है। अफसरों के मंसूबे नहीं टूटते, अगर टूट जाते तो शायद सड़क ना तोड़नी पड़ती। ये काम इस गाड़ी का चलेगी, गाड़ी चलेगी सर, गाड़ी चलेगी। लेकिन लखनऊ के लोक निर्माण विभाग से लेकर नगर विकास विभाग तक जो जो विभाग सड़क बनाने का बजट पास करता है उसको विधायक जी का ये गुस्सा और ये तस्वीर देखनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि सड़क कैसे बनाई जा रही है। ये रोड है, कहाँ गया? ये रोड बनाए हो, ये रोड बनाए हो, मजाक बना रखे हो, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, रोड बना रखे हो, ये ठेकेदार तुम ही हो ना? विधायक वेदी राम ने इसका इशारा ठेकेदार के ऊपर तो किया ही है, साथ साथ अफसरों के ऊपर। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो वेदी राम ने अपना बयान दिया। उसके बाद गाजीपुर के डीएम आरेका अखौरी भी सामने आई, उन्होंने जो बात कही आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले विधायक वेदी राम का बयान सुनिए। कई लोग आए और बोले कि साहब ये रोड बन रही है, करीब 1 किलोमीटर बन चुकी है और वो बहुत थर्ड क्लास रोड बन रही है। तो उन लोग कहने पर मैं वहां पहुंचा, सड़क पर जब मैंने पहुंचा तो वहां देखा कि सड़क मानक के अनुसार नहीं बन रहे हैं और उसको जहां जहां पैर से मारिए वो छटक जा रही थी, मतलब वो मानक के अनुसार सड़क थी ही नहीं। और वहां पीडब्ल्यूडी का न कोई जेई था, न एक्शन था, न कोई कर्मचारी था, कोई नहीं था। फिर मैंने उसको जो ठेकेदार है तो उसी में ठेकेदार भी थे, तो मैंने पूछा ठेकेदार कौन है, तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार सामने आए। तो मैंने उनसे कहा क्या रोड इसी तरह बनाई जाती है, और एक बार मैं हिदायत उनको दे चुका था कि देखिए रोड जो है अच्छी होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कहीं भी रोड में भ्रष्टाचार न हो और पारदर्शिता होनी चाहिए और मानक के अनुसार बननी चाहिए, ये मुख्यमंत्री का आदेश है। उन्होंने विधानसभा में कहा, अपने विधायकों को जो है उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर अनियमितता देखिए तो आप मुझे सूचित कीजिए, उसको रोकिए। पता चला सब 2 ही महीने में बरसात बाद सब इधर उधर हो जाएगा, उसमें सरकार की भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। विधायक के आरोपों के बाद डीएम ने क्या कहा, अब वो बयान सुनाते हैं। सुनिए डीएम ने अपने अफसरों की इस कारगुजारी पर क्या कहा है और क्या कहा है उस ठेकेदार पर और सरकार की नीयत पर, जिसके बाद गाजीपुर की सड़क जूते की ठोकर से टूट जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माननीय विधायक जखनिया ने एक सड़क का निरीक्षण किया है और उसमें घटिया निर्माण की शिकायत आई है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो घटिया निर्माण हुआ है वो जिस ठेकेदार ने किया है मैसर्स MR कंस्ट्रक्शन काजी मंडी, इसके विरुद्ध स्थानीय थाने पे तत्काल FIR दर्ज कराई जा रही है और इसके घटिया निर्माण की जांच करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई जा रही है जिला स्तर पे, और उस जांच के बाद जो भी उत्तरदायी अधिकारी होंगे PWD के AEJEE XCL इत्यादि उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिकमेंडेशन मैं स्वयं शासन को भेजूंगी। किसी भी तरह का अधोमानक निर्माण जनपद में यदि होता है तो उस पे नो टॉलरेंस की नीति है और उस पे हम जांच करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो बस यही बयान है, हो सकता है इस पर जांच हो, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो जाए और अफसरों के खिलाफ जांच होने के बाद केस बंद। लेकिन उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति के अभियान और सड़कों के निर्माण की हकीकत यही है। फिर क्या गाजीपुर, क्या गोरखपुर, क्या हाथरस, क्या हापुड़ और क्या गाजियाबाद, सब जिला वैसे ही चलता रहता है। सड़क एक बार अगर ठीक से बन जाएगी तो अगले साल उसका टेंडर कैसे निकलेगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। मजाक बना रखे हो, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड बना रखे हो, ये
ठेकेदार तुम ही हो ना, तो इसी तरह काम होता है, यही काम होता है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। सर गाड़ी क्या चलेगी, गाड़ी चलेगी, इस पर गाड़ी चलेगी।